यद्रिच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यद्रिच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो भगवान बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, बहुत प्यारी बात। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो भगवान का भक्त है, वो तो अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी ज्यादा प्रयास नहीं करता। वो जानता है कि भगवान सब कुछ उसे उपलब्ध करा ही देंगे। उसे भगवान पर अटूट विश्वास रहता है, गहन श्रद्धा रहती है, लेकिन तो भी भगवान का भक्त कभी भी लाभ कमाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करता। उसकी नजर लाभ पर नहीं रहती। वो ये नहीं देखता कि कहां से मुझे नफा हो रहा है, कहां से नुकसान, कहां से मुनाफा हो रहा है, कहां से कुछ जा रहा है, उस पर उसकी नजर नहीं रहती। उसकी नजर भगवान की कृपा पर रहती है, भगवान की सेवा पर रहती है। ऐसा व्यक्ति सच्चाई से कर्म करता है, अपनी मेहनत से जो उसे अपने आप मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं सोचता कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, मेरे पासबुक में एंट्रीज बढ़ती चली जाए, वो कभी ऐसा नहीं सोचता। उसकी नजर तो सिर्फ इस बात पर रहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी सेवा से कभी भी च्युत ना हो जाऊं, गिर ना जाऊं, भटक ना जाऊं। तो भगवान का भक्त अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। जो कुछ मिल गया उसे ही वो भगवान की कृपा समझकर ग्रहण करता है। और दूसरी बात, ऐसा ही व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त रहता है। द्वंद्व यानी ड्यूअलिटीज ऑफ लाइफ, यानी द्वैतता, अच्छा बुरा, लाभ हानि, ये सब चीजें, सर्दी गर्मी, सुख दुख, ये सब द्वैत है। ये जीवन द्वैत से भरपूर है, द्वैतता से भरपूर है, ड्यूअलिटीज से भरपूर है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लीन हो गया, तन्मय हो गया, वो द्वैतता से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा, सब कुछ भगवान की सेवा में वो इस्तेमाल करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी लाभ कमाने के लिए किसी अन्य की विशेष सेवा नहीं करता है। वो जानता है जो कुछ भी मेरे भाग्य में है, जो कुछ भी भगवान मुझे देना चाहते हैं, वो तो वो दे ही देंगे। तो फिर लाभ कमाने के लिए अपने जीवन को क्यों व्यर्थ गंवाना? रोटी तो मुझे मिल ही जाएगी, शरीर का निर्वाह तो हो ही जाएगा, इतना काम तो भगवान ने दे ही दिया है। तो फिर एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त पाने के लिए इस जीवन को क्यों दांव पर लगाना? एक ही जीवन तो मिला है, इसे क्यों नहीं भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर दूं? ऐसी भक्त की चाह रहती है, सोच रहती है, विचार रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। सफलता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो कभी नहीं सोचता कि अगर मेरे पास बहुत धन आ जाएगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, अगर मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो जाएगी तो मैं सफल हो जाऊंगा। ऐसे व्यक्ति की सोच ये नहीं होती। वो सोचता है कि अगर मैं भगवान की सेवा में अपना संपूर्ण समय व्यतीत करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। सफलता के यही मायने, यही परिभाषा उसके लिए होती है। और असफलता में भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त स्थिर रहता है। असफलता उसे डिगा नहीं पाती। आज अगर वो कोई काम शुरू कर रहा है और उस काम में वो आगे बढ़ ना पाए या उसका काम चल ना पाए, असफल हो जाए, तो वो डगमगाता नहीं है, विचलित नहीं होता है। वो सोचता है जैसी भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला लेता है और संतुष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति
कर्म करता हुआ भी उस कर्म से कभी भी बंधता नहीं है, क्योंकि वो सफलता और असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। और ये लक्षण तभी दिखते हैं जब किसी व्यक्ति को पूर्णतया दिव्य ज्ञान हो जाए।